कामना नहीं कर सकता। लोगों गोरक्षा दल के बाल अपना काम कर रहे हैं। मेरा मानना यू है जे हरियाणा हरियाणा के बाहर के अगर कलाकार हो तो बहुत बढ़िया, जे हरियाणा हरियाणा के कलाकार भी यू काम करने लग जाना कहीं नहीं कहता। मैं 100% गवा का पेट तो भरा ही भरेगा। अगर मेरे दूसरे कलाकार साथी इस बात को सुन रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज उनके विनती करता हूँ, जहां भी आप जिस भी गांव में जाओ तो एक बजर गौवा का जरूर गाया करो। कि मैं तो दाना चुका कट्ठा होगा कौन सा अपनी जेब तरफ पी लिख रहे हैं। हिंदू तो ऐसे ही बचेगा ऐसे नहीं बचेगा। कैसे लिखा नंबर 3 पे गौ माता क्या कहने लगी।
हांडली गौ माता नर फूल का कोई जवाब नहीं मिला वापिस। जुलानी में उस दिन महाराज जगराता था, उस गाल के सम यहाँ के खड़ी होगी जेड़े महाराज जागरण चल रहा था, मैं गान लग रहा गौ माता की आंख मेरे तो मिली ने बोले रे राम धने, अरे कक्षराले बेटा तू तो वही छोरा है रे टेपी के बड़े सूत्रे भजन गावे पापा के गावे। अरे बेटा एक काम छोटा सा मारा भी कर दिया कर, अरे मेरे लाडले प्रत्येक जागरण में 5 मिनट तुम्हारे नाम की भी बोल दिया कर, जिस 100 में 5% आदमियों का कल्ला की तो बेटा मारा भी गुजारा हो जाएगा। बहुत दिन से प्रण ले लिया गौ माता के नाम से एक भजन जरूर रखते हैं जहां भी जाते चाहे छोटा मन चाहे बड़ा हो, और आदर व सम्मान क्योंकि मेरे गुरुजी श्री ओम प्रकाश चौहान जी ने मुझे ये सीख दी है बेटा जड़े भी जावा लोगों ने खूब हसाइए नचाइए कुदाइए बढ़िया भजन गाइए पर यू काम करके जरूर आइए, जिस जागरण में तू यू काम नहीं करूंगा मैं सोचूंगा भाई राम तेन हो गया खाम खाई, अगर मेरा चेला है मेरा बेटा तो यू काम जरूरी है। और दो भाई आगे पीछा ने सीधे कर दो रिक्वेस्ट करता कोई भी आ जाओ पर सोनू जी करवाइयो एक दो बंदे ने भेजो। और अंत में वो गौ माता मुझे क्या समझाने लगी, जोरदार ताली बजा दो जिन्होंने अपने नेक कमाई में से दान किया है बजा दो। वाह जी वाह मान गए भाई बहुत बढ़िया धार्मिक गांव है आपका।